अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू शफीक जाफरी ऑफिशियल। सबसे पहले तो एक काम करें कि आप में से जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, पढ़े लिखे लोग, वो ज़रा हाथ खड़ा करें। तो माशाल्लाह से ठीक ठाक पढ़े लिखे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, अब कुछ वो लोग हाथ खड़ा करें जो पढ़े लिखे हैं लेकिन जॉब लेस हैं, ठीक है, जिनके पास कोई जॉब नहीं है और वो बस उनको हर वक्त यही टेंशन है कि यार नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही। ज़रा वो लोग पहले हाथ खड़ा करें, ठीक है, सिर्फ हाथ ही खड़ा करना है, ठीक है ना। तो माशाल्लाह से जी ऐसे भी काफ़ी सारे लोग निकल आए हैं। तो अब ये काम करें कि जिन लोगों ने दूसरी बार हाथ खड़ा किया था ना, आए ज़रा चलते हैं वॉशरूम, चलते हैं वॉशरूम में जाके शीशे के सामने खड़े होते हैं, शीशे के सामने खड़े होके ना ज़ोर से कहें फिड़े मुँह। आज मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ ना, उसमें आप पहले जब देखते जाएंगे ना कहेंगे अच्छा ठीक है, ठीक है, नॉर्मल है, फिर थोड़ी देर बाद कहेंगे ओ तेरी, फिर थोड़ी देर बाद कहेंगे ओ तेरी, ठीक है, आंखें शांखें आपकी सब कुछ खुल जाना है। और इसके साथ साथ ये आइडिया मैंने भी इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने कैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया था और मैंने कैसे इसका स्टार्टअप लिया था। तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये मेरे साथ रहें, ज़रा इस वीडियो तक ज़रा मेरे साथ रहें, एंड पे ज़रा मैं उनसे ज़रा ज़रूरी बात करूंगा। पहले ये मैं सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा दूँ ताकि ये पढ़े लिखे लोगों को कुछ समझ आ जाए। तो मैंने आप लोगों से, तो आप लोगों ने थंबनेल पे तो देख ही लिया होगा कि कोई ऐसा चैनल जो 50 करोड़ कमा रहा है, आप लोग सोच रहे होंगे हवाई फायर मार रहा है, मैं भी यही सोचता था। लेकिन ज़रा देखें, एक चैनल मैंने आप लोगों के सामने ओपन किया है, आप लोगों ने इसको लाजमी से देखना है, ठीक है। इसकी मैं तीन चीज़ें आपको बताऊंगा। पहली चीज़ पे आपका हल्का सा त्राह निकलेगा, दूसरी पे आप लोगों का थोड़ा ज़्यादा त्राह निकलेगा, तीसरी पे हो सकता है कि आपकी आंखें शांखें भी बाहर आ जाएं, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आप लोगों ने गौर से देखनी है। तो पहली बात जो आप लोगों को टेंशन देने वाली है, परेशान करने वाली है, ठीक है, ये आपकी आपका त्राह निकालने वाली है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इसने 50 करोड़ की बात कर दी है, यहाँ पे आए ज़रा नीचे, इसके सिर्फ इस मंथ के व्यूज़ जो हैं वो हैं 71 मिलियन व्यूज़, ठीक है। चलो जी मान लिया जी 71 मिलियन व्यूज़ हैं और सारी इसकी वीडियो भी लंबी हैं, मल्टीपल ऐड चलते होंगे, तो जी इसको 1 मिलियन के ऊपर $1,000 मिलता होगा। इंडिया का है, इंडिया का CPC भी थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। $1,000 कर लिया 1 मिलियन पे, 71 मिलियन पे कितने हो गए, $71,000, ठीक है, $71,000 ओके हो गया। अच्छा तो यहाँ पे 50 करोड़ किधर गया है? पहला त्राह निकला हल्का सा इसके व्यूज़ देख के और इसके सब्सक्राइबर देख के 10.7 मिलियन। अब आप लोगों का थोड़ा बड़ा त्राह निकालते हैं। बड़ा त्राह निकालने के लिए यहाँ पे आएँ, ये चैनल सेक्शन नज़र आ रहा है, इधर आएँ। अब दिल थाम के बैठना है आप लोगों ने, अभी तीसरा त्राह रहता है आप लोगों का, ठीक है ना। तो यहाँ पे ज़रा दिल थाम के बैठें और चेक करते जाएँ, इसके मज़ीद चैनल चेक करते जाएँ। 2.7 मिलियन, 2.3 मिलियन, 1.4 मिलियन, 1.3 मिलियन, 1.7 मिलियन, नीचे आते जाएँ, अभी नहीं और भी आएँ, नीचे आते जाएँ, नीचे आते जाएँ और भी, ओए होए होए, ओए होए होए, चेक करते जाएं जी। ये देखें इसमें एक और चैनल है 2.3 मिलियन, और आएँ जी और नीचे आएँ, और नीचे आएँ, यहाँ पे और नीचे आते जाएँ, उफ़, ये देखें जी 1.5 मिलियन, 1.16 मिलियन जी। तो निकला त्राह, कोई थोड़ा सा होश आया आप लोगों को। अब तीसरा त्राह आप लोगों का, स्पेशल त्राह निकालूँ मैं आप लोगों का, आएँ ज़रा इसकी वीडियोज़ के अंदर आएँ। वीडियोस में आने के बाद यहाँ पे है लेटेस्ट, यहाँ पे है पॉपुलर और यहाँ पे है ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो भाई यहाँ पे देखो कि इसने स्टार्ट कैसे लिया था, ये देखने की चीज़ है। एक वाइट बोर्ड से इस बंदे ने स्टार्ट लिया था, हैरान कर दिया इस बंदे ने, यकीन करें कि 14 तबक रोशन कर दिए कि यार इस बंदे ने एक वाइट बोर्ड, एक बोर्ड मार्कर और एक डस्टर से इसने स्टार्ट लिया था। फिजिक्स भी आती है हमें, मैथ भी आती है हमें, केमिस्ट्री वाले भी बैठे होंगे, बायो वाले भी बैठे होंगे, इंग्लिश वाले भी बैठे होंगे, और हद मारी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे होंगे, किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर 7-8 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे होंगे, बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, ऐसे ही कर रहे हैं ना, और बाकी जो है वो वेले बैठे हुए हैं। अब मैं ज़रा अपनी एक पुरानी वीडियो पे आता हूँ जो मैंने पहली बार ज़िंदगी में फेस कैम किया था, आएँ ज़रा वहाँ पर। ये जनाबे वाला मेरी वीडियो थी, एक एक वाइट बोर्ड था मेरे पास, यहाँ पे ये आप लोगों को एक स्पॉट नज़र आ रहा होगा, एक लाइट थी मेरे पास, बल्ब, 49 डिग्री टेम्परेचर था, पंखा बंद करना पड़ता था क्योंकि पंखे का शोर आता था, मेरे गांव के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। ट्राईपॉड मेरे पास था नहीं, इसीलिए देख रहे हैं कैमरा टेढ़ा लगा हुआ है, वो जो शलवार में डालने वाला नाड़ा नहीं होता, उस नाड़े के साथ बांध के मैंने खिड़की के साथ लटका के अपना मोबाइल रखा था, और मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला फेस कैम शूट किया था, ये आप लोगों के सामने है, ठीक है। आप लोगों ने भी देखना हो तो जाके देख लीजिएगा मेरा पुराना चैनल जो है, उसके ऊपर ये वीडियो पड़ी है, हाउ टू फाइंड परसेंटेज ओरली,
अर्निंग एंड लर्निंग यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है आज से 3 साल पहले। तो मैंने भी अच्छे तरीके से, जिस तरीके से उनको देखें कि उन्होंने एक चैनल से पूरी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी भाई, हर लैंग्वेज के अंदर इन्होंने चैनल बना के रख दिए हैं। यहाँ पे आए ये इस जगह पे, ठीक है, तो यहाँ पे आए तो इस वक्त ये सॉरी चैनल्स के ऊपर, तो यहाँ पे आए तो इस वक्त इन्होंने हर लैंग्वेज के अंदर चैनल बना दिए, हंड्रेड्स ऑफ टीचर्स इन्होंने हायर कर लिए, सैकड़ों लोगों का रोज़गार यहाँ से लगना स्टार्ट हो गया। और यकीन करें कि मैं अभी भी पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे यूट्यूबर को जानता हूँ, टीचर हैं मेरे कुलीग रहे हैं, मैं उनको जानता हूँ कि जिन्होंने 6 महीने सिर्फ यूट्यूब के ऊपर काम किया, और इस वक्त वो यूट्यूब के ऊपर काम नहीं करते, उन्होंने अपना एडसेंस भी पिन वेरीफाई नहीं किया, और वो इतना पैसा कमा रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं कि आप लोगों की सोच है कैसे। पढ़े लिखे हजरात हैं ना, ज़रा कान खोल के मेरी बात सुने, आपको इंग्लिश आती है, फिजिक्स आती है, मैथ आती है, बायो आती है, केमिस्ट्री आती है, जो मर्जी आती है, आपने इन्वेस्टमेंट्स वाली वेबसाइटों के ऊपर बहुत पैसा हराम किया है, पता है मुझे, ठीक है। एक बार मेरे कहने पे एक इन्वेस्टमेंट कर लें, मेरी गारंटी पे एक इन्वेस्टमेंट कर लें, 700 रुपये का आता है वाइट बोर्ड, 700-800 रुपये का, और 50 रुपये का या 60 रुपये का आएगा एक बोर्ड मार्कर, 80 रुपये का आएगा डस्टर, और उसके बाद थोड़ा सा खर्चा कर लें, मेरी तरह बेवकूफ़ी ना करें, नाड़े से ना बांधें, क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं थे, तो आप एक 1200 रुपये का ट्राईपॉड ले लें, उसके ऊपर लगा लें अपना मोबाइल, आपकी जो भी फील्ड है, जो भी आप लोगों की फील्ड है, उससे रिलेटेड जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, लाइक इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, आपने क्या करना है, उसके ऊपर कम से कम 300 वीडियोस बनानी है। कितनी? 300 वीडियोस बनानी है। हर वीडियो के अंदर आप लोगों का एक बिजनेस व्हाट्सएप नंबर मेंशन होना चाहिए। वो व्हाट्सएप नंबर आप लोग किस लिए यूज़ करेंगे? पर्सनल ट्यूशन देने के लिए यूज़ करेंगे। अब जो मैं बंदा बता रहा था आप लोगों को कि हमारा एक टीचर है, मेरा एक कुलीग था, वो बंदा PPSC की तैयारी करवाते हैं, हमारे बड़े ही रिस्पेक्टेड सर हैं, ठीक है। उन्होंने 6 महीने YouTube पे काम किया, उनको इतना स्टूडेंट मिला, इतना स्टूडेंट मिला कि उनके पास एडसन पिन वेरीफाई करने का टाइम नहीं है। अब वो बस क्या करते हैं, इसी तरीके व्हाट्सएप से उनके पास बंदे आए, अब वो उनको तैयारी करवाते हैं और ट्यूशंस पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक साल के अंदर इस जगह पे, इस मकाम पे पहुंच जाएंगे, अगर हम इसकी मतलब के ओल्डेस्ट वीडियो देखें तो ये ऑलमोस्ट 7 ईयर्स अगो की वीडियो है, 7 साल पहले इसने वीडियो बनाई थी। एक टाइम लगेगा आप लोगों को, लेकिन जिस टाइम आप लोगों ने एक ही फील्ड से रिलेटेड 300 वीडियोस डाल दी ना, और हर वीडियो में आप लोगों का व्हाट्सएप नंबर मेंशन हुआ ना, यकीन करें कि आप लोगों का ज़िंदगी भर के लिए ये रंडी रोना ख़त्म हो जाएगा, हाय मेरे पास जॉब नहीं है, हाय मेरे पास नौकरी नहीं है, हाय गवर्नमेंट ऐसी है, हमें नौकरियाँ नहीं देती, फलाना नहीं करती, डिंगना नहीं करती। मेरे आप लोगों ने चैनल्स देखे होंगे, 3 से 4 चैनल के ऊपर आप मेरी शक्ल देखते होंगे, और उसके बाद कुछ हिडन चैनल्स भी हैं मेरे और मेरी टीम के, हम जिसके ऊपर काम करते हैं, जिसका किसी को नहीं पता कि वो मेरे चैनल्स हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से इसने टीम ऑर्गेनाइज की है, जिस तरीके से इसने टीचर्स ऑर्गेनाइज किए हैं, यकीन करें कि मैं इसका फ़ैन हो गया हूँ। और सबसे बड़ के बात, इसका एक और सिर्फ ये यूट्यूब के ऊपर इसका सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, ये अपने यहाँ पे क्विजेस बेचते हैं, कोर्सेज बेचते हैं, हर चीज़ बेचते हैं, और जहाँ इतनी बड़ी ऑडियंस हो तो वहाँ कोर्सेज के कस्टमर आप लोग सिर्फ सोच सकते हैं। तो भाई पढ़े लिखे हजरात, ज़रा गौर से मेरी बात सुने, आज से ये काम स्टार्ट कर दें, 1 साल 2 साल ऐसे समझें कि आप जॉब लेस हैं, ठीक है, आपका आपकी कुत्ते वाली आपकी घर में हो रही है, नो प्रॉब्लम, 1 साल के लिए गायब हो जाएं, ना घर वालों की सुने, ना दोस्तों की सुने, ना किसी और की सुने, ऐसे समझें कि भाईजान आप 2 साल बाद जिसको मिले ना, तो वो आपको कहे कि यार हमने तो सुना था कि तू मर गया था आज से 2 साल पहले, ये सिचुएशन होनी चाहिए। 2 साल के लिए या साल के लिए या कम से कम 6 महीने के लिए गायब हो जाओ भाईजान, मर जाओ थोड़ी देर के लिए सबके लिए, ठीक है। फैमिली बातें करती है करने दो, दोस्त बातें करते हैं करने दो, दोस्तों को छोड़ो, मिट्टी डालो सारों के ऊपर, 6 महीने के लिए सिर्फ गायब हो जाओ या 1 साल के लिए, उसके बाद लाइफ टाइम जिनसे आप गायब हुए थे वो आपके पीछे होंगे, आप उनके आगे होंगे, लेकिन थोड़ी सी गैरत करके, ठीक है ना, गैरत के साथ। ये नहीं कि एक वीडियो चढ़ाई है, सुबह उठे व्यूज़ नहीं आए, उठा के मोबाइल फेंके, उठा के हर चीज़ फेंकी है। मैं आप लोगों को बार बार ये चीज़ें मोटिवेट करने के लिए बताता हूँ कि 2016 में मैंने चैनल बनाया था, 2019 में जाके मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे, और जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे उस वक्त मेरे चैनल के ऊपर 450 वीडियोस थी, फिर मुझे बहुत सारी डिलीट भी करनी पड़ी थी क्योंकि YouTube की न्यू अपडेट आई थी, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम वाली। थोड़ा अरसा, 6 महीने साल गैरत कर लें, यकीन करें हमेशा के लिए आप मुझे दुआएं भी देंगे, और कभी भी आप लोगों को इस चीज़ की दोबारा टेंशन नहीं होगी। माजरत के साथ किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो अच्छी बात है, बुरी लगनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, हाफिज़ पाकिस्तान, पाइंदाबाद।